प्रकार से हमें धीरे धीरे करके पार करना चाहिए, ये सब चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने हमको बहुत सुंदर तरीके से समझाया सिखाया। और गुरु प्रभु के माध्यम से हम सब बातों को समझ पाते हैं। मेरा पंचमी जो है ये लक्ष्मी जी की तिथि है, बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो प्रताप रुद्र है वहां का राजा, राजा होते हुए भी उसके अंदर कोई अहंकार अभिमान नहीं है, अपितु भक्ति के गुण विद्यमान है उसके अंदर। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथों के आगे सोने की झाड़ू से पूरी सड़क को बुहार रहा है। महाप्रभु ने तो कृपा तभी कर दी उस पर, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी का भाव लिए हुए हैं और एकदम करुणा वरुणाल्य हैं, देखते ही एकदम से उस पर कृपा प्रदान कर दी। तो भी महाप्रभु आए हैं, बाद में जब मिलने के लिए वो आतुर हुआ, हमेशा उसे विषय कहा कि राजा हमेशा विषय होते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक अनेक रानियों के साथ रमण करते हैं, अनेक अनेक दासियों के साथ रमण करते हैं और कई बार प्रजा का शोषण करते हुए उनका धन इनके पास आ जाता है, उस धन से बना हुआ अन्न हमेशा विष के रूप में प्रकट होता है। तो विषयी का अन्न खाने से क्या होगा? मन मलिन होगा। इस संदेश को हम सबको देते हुए ये समझाया कि यदि हम भजन करना चाहते हैं तो विषयी लोगों के संग हम ना करें, अन्यथा हमारा स्वभाव ही विषयी जैसा हो जाएगा। गलत प्रकार से धन ना कमाएं, अपनी मेहनत से यदि धन कमाया है तो उसका कुछ भाग, कुछ अंश भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा में जरूर लगाना चाहिए। तो प्रताप रुद्र पर कृपा करने के लिए उनसे अंदर से तो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बाहर से वो दिखा रहे हैं कि राजा विषयी होता है, इसलिए मैं ना इसका दर्शन करूंगा और ना ही अपना दर्शन दूंगा। जगन्नाथ रथ यात्रा जब हुई हो रही थी तो ठाकुर जी साक्षात जगन्नाथ जी विराजमान हैं रथ पर और उनका रथ चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाप्रभु कब आएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब आए अपने दल बल के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ, तब वहाँ पर सुंदर तरीके से एक उमंग, एक उत्साह वहाँ आ गई। उससे पहले प्रताप रुद्र के सैनिक रथ को खींच रहे थे, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। राजा ने आदेश दिया हाथियों को लगाओ, हाथी लगाने के पश्चात भी रथ आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये रथ जगन्नाथ की इच्छा से चलता है। चाहे पूरा संसार खींचने लग जाए तो हिलेगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी जब इच्छा करेंगे तो एकदम चल पड़ते हैं। तो यहाँ महाप्रभु ने अपने सात संप्रदाय, या यूँ कह लीजिए सात मंडलियों का आविष्कार किया। चार मंडलियाँ कीर्तन की रथ के आगे नृत्य कीर्तन करती हैं, दो एक दाएं और बाएं रथ के और एक पीछे। और जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वहाँ समस्त मंडलियों में एक से बढ़कर एक गाए, कहीं नित्यानंद प्रभु सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे हैं, कहीं अद्वैताचार्य जी, कहीं वक्रेश्वर पंडित, जो लगातार तीन दिनों तक जिन्होंने सुंदर तरीके से नृत्य किया तो वो भी वहाँ पर मंडली में उपस्थित, और कहीं वासुदेव घोष नर्तन और गायन कर रहे हैं। और जब शुद्ध भक्तों ने देखा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं,
जब रास होता है तो करोड़ों गोपियों के साथ एक कृष्ण अनेक गोपियों के साथ रास करते हैं, ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने एक होते हुए भी सात मंडलियों में नृत्य करते नजर आए, और ये सबको नजर नहीं आया। सात मंडलियों में जो कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, उसमें चैतन्य महाप्रभु बड़ा उद्दंड नृत्य कर रहे थे। रास का मतलब क्या होता है? रास का मतलब रस का आदान प्रदान समूह में, और भगवान के साथ जब जीवों का प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको रास कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु वही रास यहां अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं। बोलो जय जगन्नाथ भगवान की जय। तो सातों मंडलियों में ये सौभाग्यवान जीव सार्वम भट्टाचार्य और स्वयं राजा प्रताप रुद्र भी थे, जिन्होंने सातों मंडलियों में चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते देखा, और नृत्य भी बड़ा उद्दंड, बड़ा उत्साहदायक, और ऐसा कि उनके पूरे शरीर से पसीना पसीना और आंखों से ठाकुर जी के विरह में, जैसे गोपियां और विशेष करके राधा रानी विरह ताप में कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हुए रोती हैं, ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को, जो श्याम वर्ण के जगन्नाथ हैं, उनको कृष्ण देख रहे हैं, और स्वयं राधा रानी की तरह वहाँ उस विरह ताप में रो रहे हैं। और वो रोना भी ऐसा नहीं हमारी तरह, वह भी बड़ा दिव्य है। उनकी आंखों के जो आंसू हैं, नेत्रों से जो आंसू धारा बह रही है, वो पिचकारी की तरह, जैसे आप सब यहाँ बैठे सबको भिगो देने वाली है, इतनी दिव्य, इतनी तीव्र, और सबको इस प्रकार से, जैसे आपने देखा हो जगन्नाथ रथ यात्रा में, अब तो फुवारा से सबको भिगोते हैं, लेकिन यहाँ महाप्रभु अपने नेत्रों से सबको भिगो देते हैं। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। इस प्रकार से जब रथ चल नहीं रहा था और ठाकुर जी महाप्रभु का नृत्य करना देख रहे थे, तो ठाकुर जी के पीछे, जगन्नाथ रथ के पीछे जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने अपने माथे को लगाया कि हे जगन्नाथ, अब चलो आपको वृंदावन ले चलें। देखो ये रथ यात्रा की जो भावना है उसको हमें समझना होगा। शंकरदेव की जय। ये जहाँ जगन्नाथ का मंदिर है पुरी के अंदर, वह द्वारिका है, और गुंडीचा मंदिर, श्री गुरुदेव की जय, प्रेम प्रभु की जय, जो गुंडीचा मंदिर है वह वृंदावन है। तो ये भाव क्या है? जब द्वारिका से श्री कृष्णचंद्र अपनी समस्त प्रजा के साथ, समस्त यादवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचने वाले थे, सूर्य ग्रहण था, और उसमें वहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्मकुंड में स्नान करना था, ये सूचना जब ब्रजवासियों की मिली तो उन्हें बड़ा सांत्वना मिला। कितने वर्ष बीत गए, अभी तक कृष्ण का कोई अता पता नहीं, और अब चल करके पता चला कि वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो उन्होंने ज़्यादा अभी पंखे ना चलाएं, थोड़ी देर के लिए, कोई एसी चल रहा हो तो एसी बंद कर दीजिएगा। तो ब्रजवासियों को जब ये सूचना मिली कि श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रजवासी माँ यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, सखा और सब वहाँ पर बैलगाड़ियों में भर भर करके वहाँ पहुँचे कुरुक्षेत्र, और वहाँ जा करके उनका सुंदर दर्शन लाभ किया। तो वहाँ पर पहले यशोदा मैया और नंद बाबा जब पुकारे, काना काना, देखो ये तुम्हारे सैनिक हमें मिलने नहीं देते, इतना सुनना था। अंदर थे कृष्ण जो अभी यज्ञ कर रहे थे, दौड़कर चले आए और मैया और बाबा की गोद में बैठ गए, जैसे बाल लीला में बैठते हैं, ठीक इसी प्रकार से वो लीला प्रकट कर दी। थोड़ी समय सखाओं से मिले, उसके पश्चात गोपियों से मिले। गोपियों में श्रेष्ठ जो हैं राधा रानी, उन्होंने कहा देखो कृष्ण, तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, और हम लोग रास यदि यहाँ करना चाहें तो यहाँ रास नहीं हो सकता, वह मिलन, वो पूर्णतम मिलन जो है वो यहाँ नहीं हो सकता, उसके लिए वृंदावन का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का समस्त जो कण कण वहाँ का रज है, वो वहाँ के वृक्ष हैं, जो यमुना पुलन है, श्री गोवर्धन है, वो
पूरा का पूरा अनुकूल है और यहाँ पर समस्त वस्तु प्रतिकूल है, तो यहाँ पर वह रास नहीं हो सकता। इसलिए अब बहुत समय हो चला, अब तुम चलो, हम तुम्हें लेने आई हैं, तुम यहाँ से अब वृंदावन चलो। उन्होंने रथ में जो घोड़े लगे थे सबको हटा करके स्वयं जुत गई, गोपियाँ रथों में खुद जुत गई और ठाकुर जी को विराजमान कराया। बलदेव प्रभु आए तो उन्होंने उनको भी कहा तुम भी बैठो, और सुभद्रा देवी आई तो उनको भी बोला तुम भी बैठो। इस प्रकार से खींच करके वृंदावन लाई है। ये भाव चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में प्रदर्शित कर रहे हैं और जगन्नाथ जी का बार बार दर्शन करते हैं और जोर जोर से नृत्य करते हैं और महामंत्र की ध्वनि हरि बोल करके नृत्य करते हैं। और एक समय ऐसा आया इतने आविष्ट हो गए कि उनके मुख से जय जगन्नाथ भी नहीं निकल रहा, वो जय ज ज ज ज दांत इतनी जोर से कंपन कर रहे हैं कट 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 की आवाज से, ऐसा प्रतीत होता कि सारे दांत अभी टूट जाएंगे। सब घबरा रहे थे, इतना प्रेम का आवेश। इस प्रकार से जब वो थक गए तो एक वहां पर बगीचे में ले जा करके भक्तों ने उनको सुंदर तरीके से विश्राम कराया और वहीं पर ये प्रतापरूप राजा जो थे वहां के वो पहुंचे और उनको जा करके उनके चरणों को दबाना प्रारंभ किया और गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। क्योंकि वैष्णवों ने बता दिया था, स्वरूप दामोदर आदि भक्तों ने बता दिया था कि गोपी गीत गाना तो प्रभु महाप्रभु तुम्हें बहुत प्रेम से तुम्हारे गीत को सुनेंगे और प्रेम प्रदान कर देंगे। तो प्रताप रुद्र ने उनको सुंदर तरीके से सेवा प्रारंभ की और गोपी गीत सुनाते उनके चरण को संवाहन किया तो महाप्रभु जो अभी आंखें मूंदे विश्राम कर रहे थे, जैसे ही गोपी गीत का श्लोक सुना एकदम से आंखें खुली और कहा अरे कौन हो तुम, और एकदम आलिंगन कर लिया। क्या वो महाप्रभु जानते नहीं अंतर्यामी है, वो परम ईश्वर हैं, वो जानते नहीं ये कौन है, ये प्रताप रुद्र हैं जिनको मिलने से मना किया, लेकिन यहाँ पर दर्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं और कहा तुम मेरे प्रिय हो और उनको प्रेम प्रदान किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप भगवान तक मिलेंगे। अगर गुरु के माध्यम से हम मिलेंगे तो निश्चित तौर से हमारा भगवान से मिलन होगा। फिर थोड़ा समय बीता, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी उनकी सेवा में आ गए, प्रताप रुद्र जी वहाँ पर चले गए। स्वरूप दामोदर से प्रश्न कर रहे हैं कि हे स्वरूप दामोदर, ये जो हेरा पंचमी है इसकी कथा सुनाओ। अब हेरा पंचमी की कथा स्वरूप दामोदर सुना रहे हैं किसको, महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को। देखो भगवान अपनी कथा स्वयं सुन करके बड़े उसको आस्वादन भी करते हैं, आनंदित भी होते हैं, और वो कथा सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं, स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब 15 दिन से पहले उनको 100 घड़ों से जब उनको स्नान कराया जाता है, सोने के घड़ों से उनको स्नान कराया जाता है, तो उनको बुखार आ जाता है। और बुखार आने के बाद जैसे यहाँ पर भी 15 दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा अंदर ही अंदर हुई, ठीक इसी प्रकार से जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी सुंदर तरीके से लक्ष्मी जी सेवा करती हैं और किसी को दर्शन नहीं मिलते 15 दिन तक जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर में, और वहाँ पर उनकी सेवा होती है। उनको जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको खिचड़ी या फिर कोई इस प्रकार की जड़ी बूटी से बना हुआ द्रव्य दिया जाता है जिससे जल्दी ठीक हो जाए, इस प्रकार की सेवा होती है। 15 दिन के बाद वो जब स्वस्थ होते हैं तो जगन्नाथ जी कहते हैं हे लक्ष्मी, मैं बहुत दिनों से अकेले बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँगा, थोड़ी मेरा हवा पानी चेंज होगा, बदलाव आएगा और मैं अपने भक्तों को दर्शन दूंगा तो मेरे को आनंद होगा, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, इसीलिए मुझे जाने दो। और मैं साथ में बलदेव जी को लेकर जा रहा हूँ और सुभद्रा को लेकर जा रहा हूँ, तुम चिंता नहीं करना, मैं अतिशीघ्र आज जा रहा हूँ, कल भ्रमण करके मैं फिर गुंडीचा मंदिर से तुरंत आ जाऊँगा। अब यहाँ पर जो लीला सुनाई स्वरूप दामोदर ने कि ये जो चले गए, एक दिन बीता, दो दिन बीते, इस तरह से 4 दिन बीत गए, 5वें दिन लक्ष्मी जी बड़ी कुपित हो गई, बड़े ही क्रोध में मान हुआ। मान मतलब होता है रूठना। प्रेमिका जब प्रेमी से रूठे, कांता जब कांत से रूठे, उसको मान कहा जाता है। अब यहाँ देखो मान भी कितने प्रकार के, एक मान तो ब्रज का मान है,
एक मान है द्वारिका और एक है पुरी का मान। एक ये अयोध्या का भी मान को ले लें तो उसमें भी हम देखते हैं, जैसे केकई माता ने मान किया दशरथ महाराज से कि 14 वर्ष का वनवास राम को और भरत को सिंहासन, तो ये एक स्वार्थपूर्ण मान हुआ। भले ही इसमें भगवान राम की इच्छा थी, भगवान राम ने केकई माता को आदेश दिया था कि ये इस प्रकार से आपको वर मांगने होंगे, तो भी केकई ने ये वर मांगे जरूर, लेकिन भगवान राम के आदेशानुसार। आज देखो केकई माता का नाम कोई अपनी बच्ची का रखता नहीं, लेकिन सत्य बात तो यह है केकई माता भरत जी से भी ज्यादा राम को प्रेम करती थी। बोलो केकई माता की जय। अब जो यहां पर मान है ये स्वार्थपूर्ण हुआ। दूसरा हम चलते हैं द्वारिका में, द्वारिका में सत्यभामा मान कर रही है कि आपने जो नारद जी ने पुष्प दिया पारिजात का पुष्प, वो आपने रुक्मणी जी को दे दिया, मुझे देना चाहिए था, मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करती हूँ और मैं सोचती थी आप भी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए रूठ गई। और भगवान श्री कृष्ण मनाने के लिए बोले चिंता मत करो, हम स्वर्ग से पूरा का पूरा वृक्ष लेकर आएंगे, और गए और पारिजात का वृक्ष उखाड़ करके ले आए और अपने आंगन में लगा लिया। ये भी स्वार्थपूर्ण है। एक गोपियों का मान है जो ब्रज में समस्त गोपियां वहां मान करती हैं, जैसे निकुंज सजाती हैं गोपियां, राधा रानी की अनुचरी या मंजरियां बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करती हैं निकुंज का, वहां पर पुष्पों की मालाएं और अन्य अन्य जो भी अच्छे अच्छे पत्र हैं उनसे सुंदर श्रृंगार होता है पूरे निकुंज का, कि ठाकुर जी आएंगे और सुंदर तरीके से इनको यहाँ पर मिलन कराएंगे। लेकिन राधा रानी या पूरी पूरी रात्रि प्रतीक्षा कर रही है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण नहीं आ रहे, वो चंद्रावली के निकुंज में चले गए। और यहाँ पर फिर जो मान हुआ, जब वो आए सुबह सुबह भोर में, तो यहाँ पर राधा रानी जो रूठ गई हैं वो मान कर रही हैं। वो मान इसलिए नहीं है, स्वार्थपूर्ण नहीं है, ये निस्वार्थ मान है। वो कृष्ण की सेवा के लिए, चंद्रावली भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनको बुलाती हैं, लेकिन राधा रानी का जो यहाँ मान है वो सेवा भाव हेतु है, ये स्वार्थ वाला नहीं है, निस्वार्थ वाला है। और यहाँ पर जो पुरी का जो मान है जो लक्ष्मी जी कर रही हैं वो बिल्कुल विचित्र है। जितने भी मान हैं उसमें सारा श्रृंगार त्याग दिया जाता है, आभूषण फेंक दिए जाते हैं, बालों को खोल करके स्त्रियां रोती हैं धोती हैं, लेकिन यहाँ जो मान कर रही हैं लक्ष्मी जी कि कृष्ण चले गए, कह रहे थे आज जा रहा हूँ और कल वहाँ रुक कर परसों आ जाऊँगा, 3 दिन के लिए उन्होंने कहा था। पुरी की जो लक्ष्मी जी है वो रुष्ट हो रही हैं, ये वैकुंठ लीला है उसको सुना रहे हैं कि वो रुष्ट तो हो रही हैं लेकिन अपना श्रृंगार बिखेर नहीं रही हैं, उल्टा श्रृंगार खूब अच्छे से कर रही हैं, बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ पहन रही हैं, बड़े बड़े आभूषण लगा रही हैं और पालकी में बैठ कर के जो है सब जगह घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं पुरी के मंदिर के आसपास, और अपनी सेविकाओं को आदेश दे रही हैं इनके पास ले चलो, जो कृष्ण जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक हैं उनके पास ले चलो, और उनसे कह रही हैं अरे तुमने जाने दिया जगन्नाथ जी को, तुम पीछे पीछे नहीं गए, तुम जानते हो कहाँ जगन्नाथ, मुझे बतलाओ कहाँ है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कहाँ है जगन्नाथ। तो उनको दंड दे रही है, इनको पकड़ लो बांधो पीटो, और सेवकों की पिटाई हो रही है। वहाँ अन्य एक और रथ रखा है जगन्नाथ जी का, उसको तोड़ रही है लक्ष्मी जी, क्रोध तो हो रही है लेकिन इनका मान बड़ा विचित्र है। ये अपना श्रृंगार नहीं छोड़ती, अपने आभूषणों को नहीं छोड़ती, उल्टा सज धज कर जाती हैं। तो यहाँ पर आज के दिन ये मान किया ये लक्ष्मी जी ने, और इस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा आगे। जब ये सुना रहे थे कथा, किसको सुना रहे हैं भक्त, किसको सुना रहे हैं, महाप्रभु को। महाप्रभु सुनकर के बड़े हंस रहे हैं और हंस करके उनकी थकान दूर हो रही है, और फिर खड़े हुए हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद वांछा कल चतुर्थ श्यामानंद प्रभु शीघ्र।
तुम्हारे कथा में बोलना ही मैं बात में ओम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिवगौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुपाद पद्म सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर युगल किशोर राधा गोविंद जीव सपरिकर सोपार सदस्य जगत गुरु प्रभुपाद जी के चरण में साष्टांग प्रणाम गर्गुन गए तु भी रूपावांछा करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद नवीन कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रेमचांद प्रभु सिंगल प्रभु संजय प्रभु सतीर्थ गुरुदाता वृंद वैष्णववृंद वैष्णवी वृंद भक्तवृंद के चरण मध्यम का जिथा जी के दंड प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, यद्यपि ये नाम हम लोग पहले बार श्रवण कर रहे हैं सुन रहे हैं हेरा पंचमी। देखो स्नान यात्रा में श्री जगन्नाथ जी पहले तो उससे पहले एक यात्रा आता है चंदन यात्रा में जगन्नाथ जी स्नान करते हैं नरेंद्र सरोवर में जाके। ठाकुर जी को बहुत तेज गर्मी लग जाता है, इतना गर्मी लग जाता है कि 21 दिन तक मंदिर के बाहर ठाकुर जी जाके स्नान करते हैं और 21 दिन तक मंदिर के अंदर स्नान करते हैं। एक होता है बाहर चंदन यात्रा, जो ठाकुर जी को डोली में सुंदर सुंदर पालकी में सजा करके ठाकुर जी को बाहर ले जाते हैं, और एक होते हैं भीतर चंदन यात्रा, यानी ठाकुर जी मंदिर के अंदर ही 21 दिन तक स्नान करते हैं। हमारे उड़ीसा में है जल क्रीड़ा मंडप, उसी मंडप में ठाकुर जी जल क्रीड़ा आदि करते हैं। तो स्नान यात्रा के बाद उसके बाद जो चंदन यात्रा है, चंदन यात्रा के बाद फिर जिस दिन ख़त्म होता है चंदन यात्रा, फिर ठाकुर जी को अत्यंत गर्मी लगता है, उसमें ठाकुर जी स्नान करते हैं। तो ठाकुर जी जैसे ही स्नान करते हैं, देखो ठाकुर जी ना पूरा नर्वत लीला करते हैं। हमारे पूरी में ऐसे जगन्नाथ जी है, उनको जैसे जगाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी क्या स्नान करेंगे, स्नान करने से पहले क्या पहनेंगे, रात के पहने हुए कपड़ा को उतारेंगे और गमछा धारण करेंगे। तो एक एक जगन्नाथ जी का जो गमछा है ना वो 22 हाथ है, ये हैंड में 22 हैंड से पता नहीं कितना मीटर होगा वो। तो ठाकुर जी ऐसे गमछा धारण करते हैं, फिर तड़प उत्तर लागी, उसको बोलते हैं तड़प उत्तरी लागी, अवकाश लागी। ठाकुर जी क्या करते हैं, दातुन जैसे हम ब्रश करते हैं ना, वैसे ही नर्वत रूप में ठाकुर जी ब्रश करते हैं। बकुल के एक पेड़ है, उसी पेड़ के जो दंत काष्ठ यानी जो लकड़ी, उससे ठाकुर जी का ब्रश किया जाता है। ठाकुर जी स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को नहाने के बाद क्या लगता है, भूख। ठाकुर जी पहली बार भूख खाते हैं, उसको भोग ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं गोपाल वल्लभ। इस प्रकार बहुत सारा नीति है जगन्नाथ जी का। तो उसी प्रकार नर्वत ठाकुर जी को बहुत गर्मी लग जाता है, जैसे ही गर्मी में ठाकुर जी क्या करते हैं, 108 जो बड़े बड़े मटकी के जो
और सोने के पात्र में रखा हुआ पानी को, जल को स्नान करते हैं, तो ठाकुर जी के शरीर में क्या होता है, बहुत तेज का बुखार हो जाता है। बहुत नहा लिया भाई, अब बहुत तेज का बुखार हो जाता है ठाकुर जी को। जैसे ही बुखार हो जाता है तो पंडे आदि सेवकगण ठाकुर जी को 15 दिन तक, विशेष करके 15 दिन तक ठाकुर जी को गुप्त सेवा करते हैं। उसमें श्रीअंग में फुलोरी तेल लागी, मतलब एक ऑयल है जिसको श्रीअंग में लगाया जाता है। और ठाकुर जी को जैसे अब मरीज हो चुके हैं, बुखार हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, कैसे खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे, अब क्या खाते हैं, अब पूरा चिड़वा दही, जो हमारे उड़ीसा में फल मूल इत्यादि ठाकुर जी ग्रहण करते हैं और काढ़ा पीते हैं ठाकुर जी। पूरी में है ये सब विधि। तो उसके बाद जब ठाकुर जी सुस्त होते हैं 15 दिन तक अंतकाल में, मतलब अंदर किसी को भी ठाकुर जी 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं, जगन्नाथ जी किसी को भी 15 दिन तक दर्शन नहीं देते बुखार में। अब बुखार के बाद, बुखार के बीच में लक्ष्मी जी को हमारे गुरुवर्ग बता रहे हैं कि बुखार के, इनको बुखार इसलिए होता है कि इनको साल में एक बार छल पूर्वक क्या करना है, ना गुंडीचा मंदिर जाना है, ठाकुर जी को स्वयं मंदिर, मंदिर से बाहर होके कहीं दूसरे मंदिर पे जाना है मान लो, तो ये क्या करेंगे, अभी पत्नी को ले जाएंगे तो गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए पत्नी जो लक्ष्मी देवी है उनको मनाती है, पत्नी को 15 दिन तक ठाकुर जी जगन्नाथ जी क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी को 15 दिन तक मनाती है कि मुझे एक दिन के लिए मुझे जाने दो। अब देखो ठाकुर जी जो रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में ठाकुर जी बलदेव प्रभु सुभद्रा सुदर्शन के साथ स्वयं रथ में विराजमान करके गुंडीचा मंदिर जाते हैं, रथ यात्रा होता है। और उसके बाद फिर ठाकुर जी पश्चात आते हैं, उसको बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। फिर सोनावेश होता है दूसरे दिन, फिर अधरपणा आदि होता है। अधरपणा मतलब रथ में जितने भी देवा देवी विराजमान करते हैं उनके शांति के उद्देश्य के लिए ठाकुर जी के अधर तक, यानी ठाकुर जी के मुख तक बड़े बड़े मटकी के बना हुआ पात्र में एक जूस, एक प्रकार का जूस उसके अंदर डाल के उसको भोग लगा के रथ के अंदर ही तोड़ के उसको रथ के चारों तरफ देते हैं, चारों तरफ शुद्धिकरण करवाते हैं। इसको बोलते हैं अधरपणा। भूत प्रेत पिशाची डाकिनी साकिनी सब उसमें तृप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात नीलाद्रि विजय होता है। तो ये जितना भी एक एक नीति है उसमें एक सर्वश्रेष्ठ और अपने में एक महत्वपूर्ण नीति है आज का दिन, हेरा पंचमी। ये हेरा पंचमी में क्या होता है, देखो हेरा, हेरा शब्द का अर्थ है हेरीबा। हेरीबा मतलब एक के वार्ड है कि हेरा मतलब देखना, देखने जाना, किस प्रकार लक्ष्मी जी देखने जाते हैं जगन्नाथ जी को। और एक अर्थ है हेरा, हेरा मतलब अर्थ है कि जो बड़े क्रोधित रूप में, जो क्रोध को प्रकाशित करके, जो नए बहू हैं वो कभी क्रोध के प्रकाशित करके, हेरा मतलब जो अपने घर के आंगन पे आ गए, उसको भी टीकाकार बोलते हैं एक अर्थ में हेरा। तो देखो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मना के चले गए कि मैं एक दिन में वापस आ जाऊँगा। अब जगन्नाथ जी को 5 दिन हो गया, वापस आ ही नहीं रहे। अब लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं बिमला माता को, वहाँ पे एक जोगमाया देवी हैं, बिमला माता को पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, बोलो देवी, पति तो चले गए और भाई और बहन को साथ में लेके चले गए, ठाकुर जी स्वयं चले गए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बिमला देवी बोलते हैं पति अगर इस प्रकार चले जाते हैं तो आपको पति के पास पुनः जाके उनको बुलाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी आज के दिन पर, रथ यात्रा के आज 5 नंबर दिन है, आज के दिन पर लक्ष्मी जी को सुंदर सुंदर विमान में विराजमान करते हैं। देखो ये लक्ष्मी कौन है, श्री मंदिर का ये बहू है, ये मंदिर का ये बहू है। और बहू का क्या कर्तव्य है, घर के आंगन में नहीं जाना चाहिए बहू को कभी भी। हमारे उड़ीसा में रीति है घर के आंगन में नहीं जाते, हमारे आज भी, आजकल भी कुछ कुछ गांव में ऐसा रीति है, ऐसा रिचुअल है कि जो बहू है वो द्वार के जो आंगन में वो कभी नहीं निकलते। चलो आजकल के ज़माना जो भी हो, तो लक्ष्मी जी सोच रहे हैं लक्ष्मी जी बाहर नहीं निकलेंगे। अब इनको बिमला देवी प्रस्तुत करवाती हैं, बोलते हैं कि बिमला देवी उनको एक नए नवेली बहू के जैसा इतना घूंघट करते हैं और अलंकार नहीं देते उनको, उनको नाक में एक बेसर देते हैं, लक्ष्मी जी के नाक में एक बेसर दे के बोलते हैं कि जाओ। अब लक्ष्मी जी क्रोध में, गुस्से में क्या करते हैं, एक विमान पे, एक पालंकी के विराजमान करके स्वयं लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के पास गुंडीचा मंदिर, जो मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर का दूरी 3 किलोमीटर है, तो वहाँ से जाते हैं लक्ष्मी जी रात में। अब जाते हैं, जैसे ही लक्ष्मी जी जाते हैं तो लक्ष्मी जी जाने के बाद, हरि बोल,
हाँ लक्ष्मी जी जाने के बाद वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये नंदी घोष रथ जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ बलदेव अब सुभद्रा देवी का तीन रथ है, तीन रथ का तीन नाम है, बड़े ठाकुर बलदेव प्रभु का रथ है तालध्वज और सुभद्रा देवी का जो रथ है उसको बोलते हैं दर्प दलन और जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका नाम क्या है नंदी घोष। तो ये बोलते हैं कि नंदी घोष रथ ही नहीं होता तो ठाकुर जी को यही जोर जबरदस्ती लेके आ गया है तो इसको पहले तोड़ूंगा। तो लक्ष्मी क्या करते हैं उसको पहले तोड़ देते हैं नंदी घोष रथ को। आज भी ऐसा रीति है जैसे ही लक्ष्मी जी जाते ना रथ के तरफ लक्ष्मी जी को विमान को ऐसे लिया जाता है, हमने स्वयं देखा। और उसी विमान में खड़े होकर सारे पंडे लोगों को जितने भी जगन्नाथ जी के पंडे उनको सब बांध करके वहाँ पे खींच करके ले आते हैं लक्ष्मी जी के पंडे और वहाँ पे लड़ाई होता है। और वहाँ पे जैसे ही लड़ाई होता है लक्ष्मी बोलते हैं लड़ाई वड़ाई से काम नहीं चलेगा भैया, ये रथ को तोड़ना है। तो लक्ष्मी जी को रथ को चारों तरफ परिक्रमा करवा करके रथ के एक काष्ठ को एक लकड़ी को तोड़ के लक्ष्मी जी जाते हैं। अब देखो जो विचार वाली बात है, उसके बाद लक्ष्मी जाते हैं गुंडीचा मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर तो लक्ष्मी जाते हैं लेकिन मंदिर के द्वार पे ही जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, मंदिर के द्वार पे ही जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जाते। मंदिर के द्वार पे जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि त्राहिमाम प्रभो आगच्छम कृपया भो, कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके आप क्या करो पुनः आ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो आप पुनः मेरे पास आ जाओ। तो तब जगन्नाथ जी के जो अधर के माला, एक जगन्नाथ जी के गले में माला उसको आज्ञा माल बोलते हैं, तो आज्ञा देते हैं जगन्नाथ जी की, चलो चलो लक्ष्मी दुनिया तो ऐसा है कोई भी पति नहीं है जो पत्नी के सामने नहीं झुका हो, तो मैं क्या करूँगी निश्चित रूप में मैं आऊँगा। तो एक आज्ञा माल प्रदान करते हैं लक्ष्मी जी को और बोलते हैं तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो कल से ही जगन्नाथ जी का जो रथ है ऐसे जाता है ना उसको रथ को दक्षिणा मोड़ उल्टा ऐसे किया जाता है, फिर नवमी का संध्या दर्शन है और उसके पश्चात फिर बाहुड़ा यात्रा होता है, फिर सोनावेश इत्यादि इत्यादि बहुत सारा से लीला है। तो देखो इस प्रसंग में जो हेरा पंचमी प्रसंग है, लक्ष्मी जी क्रोध जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को नहीं ले जाते हैं और लक्ष्मी जी गुस्से में जाके ठाकुर जी को बुलाते हैं और ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। ये सब लीला को देखने के लिए हमारे गोस्वामी वर्ग बड़े सुंदर सुंदर टीका बता रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु श्री काशी मिश्र को बोलते हैं कि देखो देखो काशी मिश्र आज हेरा पंचमी है, आज ये लक्ष्मी जी क्या करेंगे, ये लक्ष्मी जी जाएंगे। देखो श्रीमन महाप्रभु क्या बोलते हैं, स्वरूप दामोदर को पूछते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद आप बताओ कि ये जो श्री मंदिर है ये मंदिर क्या है ना द्वारिका है, श्री मंदिर को बोल रहे हैं द्वारिका और जो गुंडीचा मंदिर है उसको बोल रहे हैं सुंदराचल वृंदावन। अब देखो लक्ष्मी का वास कहाँ रहे, द्वारिका में रुक्मणी है ना, रुक्मणी सत्यभामा आदि सब कहाँ रहते हैं, द्वारिका में। ये लोग वृंदावन में चाहे भी तो नहीं जा सकते। अब वहाँ का जो वृंदावन कहाँ है, वृंदावन में कौन रहते हैं, राधा रानी और उनके सखी मंजरीगण। तो इसके पश्चात जो लक्ष्मी जी ये भाव को देखने के लिए श्रीमन महाप्रभु देख रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी द्वारिका से वृंदावन जा रही है, अरे लक्ष्मी की किस प्रकार का भाव है, इसको देखने के लिए श्रीमन महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद और अन्यान्य भक्तगणों के साथ काशी मिश्र आदि भक्तगणों के साथ गुंडीचा मंदिर को जाते हैं। और गुंडीचा मंदिर को जैसे ही जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि लक्ष्मी जी तो बाहर आके दर्शन किया अंदर आया नहीं, कोई मंदिर के अंदर आ गया मतलब मंदिर के बाहर आ रहा है, बाहर से थोड़ी ना चले जाएगा, मंदिर के बाहर से गेट से थोड़ी ना चले जाएगा, वो आके अंदर दर्शन करना चाहिए। और जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी का कौन है, ये पति है, ये तो उनके पास आना चाहिए और पास आके हाथ खींच के ले जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी ऐसा कर नहीं पाए, बोले क्यों नहीं कर पाए। इसके ऊपर स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद एक बड़े सुंदर टीका कर रहे हैं कि प्रभु कहे यात्रा चले कृष्ण रघमन सुभद्रा और बलदेव संगे दुई जन। देखो जगन्नाथ जी भाई बड़े चालाक हैं, इन्होंने सोचा कि लक्ष्मी जी अकेले चला जाऊँगा ना तो ये लक्ष्मी उल्टा पुल्टा सोचेगी, इसलिए बड़े भाई और सुभद्रा को साथ में ही लेके चलता हूँ, भाई तुम दोनों आगे आगे चलो मैं फिर पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो बड़े चालाक हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि प्रभु कहे यात्रा छले कृष्ण रगमन, यात्रा का छल मात्र है कृष्ण रगमन, कृष्ण क्या करते हैं अपने छल पूर्वक कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध कर ही देते हैं। और बड़े ठाकुर बलदेव प्रभु और सुभद्रा देवी, देखो बलदेव प्रभु स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश होने पर भी कृष्ण के माया को नहीं जान सकते। एक साल तक जो गाय बछड़े को ब्रह्मा ने क्या किया, चोरी करके छुपा करके रख लिया,
बलदेव प्रभु जान नहीं पाए एक साल तक, इस प्रकार का महिमा है कृष्ण का। तो जो कृष्ण है उस बलदेव प्रभु है, यद्यपि कृष्ण से बड़े हैं लेकिन काम तो कृष्ण का ही चलता है। तो ये जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं कि छल पूर्वक बड़े बड़े ठाकुर और सुभद्रा सुदर्शन सबको साथ में लेके जा रहे हैं। तो इसके पश्चात लक्ष्मी जब जाते हैं कि लक्ष्मी क्यों भाई अंदर नहीं घुस पाते, कि बोल रहे हैं लक्ष्मी वृंदावन के अंदर लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जी क्या करते हैं, वृंदावन के अंदर लक्ष्मी जी का कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता। देखो ब्रज में क्या रहते हैं, वृंदावन में जो ब्रज गोपियाँ है, जो गोपांगना है, और उसमें भी जो राधा रानी का प्रेम है, सखी मंजरियों का भी प्रेम है, वो अपने में सर्वश्रेष्ठ है। उसमें जो जिस प्रकार का मान और लक्ष्मी जी में जिस प्रकार का मान, उसमें बड़ा डिफरेंस है। देखो द्वारिका में, अगर मान लो द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि मान करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कृष्ण को डांट नहीं लगाते हैं, अर्घ्य थाली लेके कृष्ण को आरती करते हैं, कृष्ण को कभी डांट नहीं लगाते हैं, हाँ कहीं छुप छुप के मिलते ही नहीं। द्वारिका में ऐसा कभी सुना है कि कृष्ण छुप छुप के एक पटरानी एक दूसरे पटरानी के पास, सब पत्नी है, छुप छुप के मिलने की कोई बात ही नहीं है, वहाँ छुप छुप के मिलते ही नहीं। और दूसरे और वृंदावन में देखो, यहाँ सीधा सीधा नहीं मिल सकते, यहाँ छुप छुप के मिलना पड़ेगा। और दूसरे बात क्या है कि यहाँ का जो मान है और वहाँ का मान है, उसमें डिफरेंस है। यहाँ का जो मान है ये परकीय मान है और विषम्र मान, वहाँ का जो मान है वो स्वकीय मान है। श्रील गोस्वामी वर्ग हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इसी भाव को। कभी सत्यभामा मान कर लेती है, ऐसे तो कभी कृष्ण के बहुत सारे पत्नी हैं उनमें भी कोई मान नहीं करती, कभी कभी सत्यभामा ये क्या करती, मान कर लेती है कृष्ण के ऊपर, थोड़ा गुस्से प्रकाश करते हैं। जैसे ही गुस्से प्रकाश करते हैं कृष्ण बोलते हैं ये सकराजीत के कन्या को इधर से हटाओ, सब मान टूट जाता है, भाई भाई मेरा भूल हो गया मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ब्रजगोपियाँ का मान देखो, जब कृष्ण निकुंज में रहते हैं, निकुंज में लीला करते हैं, एक एक लीला करते हैं, उसी लीला के समय अगर ब्रजगोपियाँ के साथ कृष्ण अगर रूट लिए, कृष्ण अगर कुछ बोल दिए, तो ब्रजगोपियाँ एक बात नहीं सुनेगी, सौ बात कह देगी, तुम हमको ये देते हो, तुम हमको साड़ी खरीद देते हो, तुम कौन हो, तुम बोलने वाले कौन, हटो इधर से। तो ये जो मान है और वो जो मान है, इसमें बड़ा बड़ा तारतम्य है, बड़ा एक एक में वैचित्रता वैशिष्टता है। इसमें बता रहे हैं विशेष करके कि कृष्ण यहाँ ब्रजगोपियाँ का पूर्ण रूप में वसीभूत है। कैसे, एक एक रूप मंजरी को लीनांग निकुंज कुहरे भवती मुकुंदा चित्रेव वचिता सुचि रुचिराक्षिना हम, किस प्रकार एक एक मंजरी को कृष्ण क्या करते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं और चरणों में पड़ के उनको बोलते हैं कि मुझे राधा रानी से मिला दो, लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं। अब देखो वहाँ का प्रेम और यहाँ का प्रेम में डिफरेंस बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या डिफरेंस है। देखो जो द्वारिका का प्रेम है, पहले तो कृष्ण का अष्ट पटरानी थी, उसमें भी जाम्बवंती रुक्मणी सत्यभामा आदि, फिर उसके बाद कृष्ण का जो प्रेम है आठ में डिवाइड हुआ था और उनका भी प्रेम कृष्ण में था। उसके बाद पश्चात द्वारिका में कृष्ण का हर एक एक रानी से दस दस बेटे और एक एक बेटी हुई, तो उनका प्रेम कृष्ण से क्या हुआ, और दस दस गुण ग्यारह ग्यारह गुण बट गया, वो अलग अलग करके बट गया। लेकिन ब्रजगोपियाँ वो गोप ग्वालों से शादी करने के पश्चात भी किस प्रकार उनके जो प्रेम है वो कभी बटता नहीं, उनके जिस प्रकार का भाव है, जिस प्रकार का प्रेम है, यहाँ जैसे द्वारिका में बट गया, वहाँ बटता नहीं, वहाँ बढ़ता है, प्रति क्षण बढ़ता है। तो वहाँ का प्रेम और यहाँ का प्रेम वो अपने आप में एक विशेष रूप में वैचित्रता है। तो लक्ष्मी बोलते हैं देखो लक्ष्मी जी भाई क्यों किस प्रकार वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। देखो श्रुति किसी श्रुति पायल तपस्या करते, देखो श्रुतिगण तपस्या करते हैं, और श्रुतिगण मतलब वेद शास्त्र आदि तपस्या करते हैं, और योगी बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब तपस्या करते हैं। बहुत जन्म तक तपस्या करने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो ऋषिगण और ये श्रुतिगण ये तपस्या करके क्या करते हैं, ब्रज कृष्ण के रास में इनको प्रवेश मिलता है, कृष्ण के रास में इनको विशेष रूप में प्रवेश मिलता है। लेकिन लक्ष्मी भी उनके साथ एक साथ ही बैठ के तपस्या किया, अलग अलग भाव में तपस्या किया, लक्ष्मी भी तपस्या की और अन्यान्य श्रुतिगण भी तपस्या किया, लेकिन श्रुतिगण पाई लो लक्ष्मी के ना पाई लो, श्रीमन महाप्रभु पूछ रहे हैं क्या उनका नाम वेंकट भट्ट को, वेंकट भट्ट को पूछ रहे हैं
के श्रुतिगण को मिल गया, एक ही जगह पे तपस्या किए, समान रूप में तपस्या किए, लक्ष्मी को क्यों नहीं मिला? उनको मिल गया रास में प्रवेश। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, लक्ष्मी जी कभी भी नारायण के अलावा अन्य पुरुष को कभी भी नहीं चाहते। और लक्ष्मी जी कौन है? ये नारायण है, नारायण के पति बक्ष स्थिता, नारायण के हर समय बक्ष में विराजमान करने वाले ये लक्ष्मी जी, ये कभी भी दूसरे पर पुरुष के मुख को नहीं देखेंगे। और इनका जो स्वरूप है कि भाई मैं लक्ष्मी हूँ, मैं इतना ऐश्वर्यवान हूँ, इतना संपत्तिवान हूँ, मैं क्यों ग्वाला वाला के घर में पैदा हूँ? तो कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण चाहते हैं सोई संगम। सोई संगम अर्थात कृष्ण चाहते हैं सो जातीय, कोई विजातियों को नहीं चाहते हैं, कोई दूसरे को नहीं चाहते हैं, सो जातीय। सो जातीय अर्थात कृष्ण के साथ अगर रास करना है तो उसी ब्रजगोपी के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा, ब्रजगोपियों के घर में पैदा होना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पली बड़ी करके जब बड़ी हो जाओगे तभी जाके कृष्ण के साथ सेवा कर सकते हो, कृष्ण के साथ लीला कर सकते हो। और दूसरे बाहर से आ गए और सेवा कर दी, ये नहीं हो सकता। देखो हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना एक लीला पे, भाई कृष्ण बड़े चालाक हैं, कृष्ण ये सीवन महाप्रभु बड़े चालाक हैं। क्या चालाक है कि देखो शिवजी आए, शिवजी को देख के योग माया देवी बोल दे, अच्छा चलो पति है, इनको स्वरूप प्रदान कर दिया, अब ये गोपी बन गई। अब इसमें एक जगह पे वर्णन कर रहे हैं कि शिवजी जैसे ही आते हैं, अब शिवजी का स्वरूप क्या है, पूरा हट्टे खट्टे हैं, अब ये पार्वती जी का पूरा कपड़ा लहंगा चोली पहन के रास में घूम रही है। तो पहचान लिया सब गोपी ने, भाई ये कोई अलग है, ये कौन है, ये इतना मोटी गोपी कहाँ से आ गई? सब जाके देखने लगते हैं उनको, पर्दा को हटा हटा के बोले ये नहीं हो सकता, और कोई है। तो उनको गुलचा मारते हैं शिवजी को, शिवजी का स्थिति ब्रज में वृंदावन में शिवजी का स्थिति को बता रहे हैं, शिवजी को गुलचा मारते हैं, ऐसे गुलचा मतलब ऐसे मुख में ऐसे करके मारते हैं ब्रज गोपियाँ, बोले कौन हो तुम, हटो इधर से। जैसे ही शिवजी बाहर चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब कृष्ण वहाँ पे, कृष्ण को तो बड़े दयालु बोला गया है, कृष्ण आ जाते हैं, भाई क्या हुआ? नहीं, शिव जी को देखे, अच्छा आप क्या करने आए थे? नहीं, मैं यहाँ पे रास में प्रवेश करना आया था प्रभु, आपके रास देखने आया था, और इतने मनोहर रास को देख के मेरे मन में भी हृदय में भी इच्छा जागृत हुआ कि मैं भी क्या करूँ ना कि साड़ी चूड़ी पहन के रास में प्रवेश कर जाऊँ। बोले देख कृष्ण बोलते, कृष्ण तो समझ लिए क्या मांगना चाहते हैं। तो शिव जी के इस भाव को देख के कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोलते हैं, बोले शिव जी क्या मांगोगे? बोले वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तो शिव जी वरदान मांगते हैं, प्रभु मुझे रास का दर्शन करवा दो, मुझे रास में प्रवेश का अधिकार प्रदान करो। तो कृष्ण बार बार पूछते हैं, देखो कृष्ण कितना चालाक है, कृष्ण पूछते हैं रास देखना चाहते हो? बोले हाँ। रास देखना चाहते हो? बोले हाँ। ठीक है, तुम एक काम करो, रास मंडल का द्वारकीपर सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, यहीं से बैठ के रास देखो। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे रास देखना मिलेगा। बाद में पता चला कि कृष्ण तो मुझे बेवकूफ बना के चले गए, द्वारकीपर मतलब सिक्योरिटी ही बन के रहूँगा, अंदर तो घुसने ही नहीं दूंगा किसी को, ना खुद घुसूंगा ना किसी को घुसने नहीं दूंगा। तो शिव जी को भी क्या कहे, कृष्ण ने वहाँ पे उसी जगह पे पूरा इतने चालाक हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो दुर्लभ प्रेम, क्योंकि भाई कृष्ण अगर उसी प्रेम को दे दे, उसी चीज़ को दे दे, तो कृष्ण बसीभूत होना पड़ेगा, उनके चरण पकड़ना पड़ेगा, और कृष्ण इस प्रकार का काम कृष्ण क्यों करे? तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं, गुरुपाद पद्म गुरुवर को बोलते हैं, शिव जी को कान फूकने वाला कोई गौड़ीय वैष्णव नहीं मिला। अगर उसी जगह पे शिव जी को कान फूकने वाला कोई गौड़ीय वैष्णव मिलता तो वो बोलता कि देखो कृष्ण बड़े चालाक हैं, जैसे ही कृष्ण आ जाएंगे ना, कृष्ण को स्तुति करना, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, अमका ढिमका, बड़े स्तुति करना, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और कृष्ण प्रसन्न होने के बाद एक बात आँख बंद करके मांग देना कि मुझे राधा दास्यम दो, मुझे ब्रजगोपियों के अनुगत्य दो। तब कृष्ण जैसे ही प्रदान करे, ब्रजगोपी के अनुगत्य मतलब क्या, राधा रानी के साथ साथ रुकोगे, राधा रानी के साथ साथ रुकोगे तो क्या होगा, फिर तो तुम्हें रास में ऑटोमेटिक प्रवेश हो ही जाएगा। तो इस प्रकार का जो भाव है, लक्ष्मी अपने ऐश्वर्य भाव को रह के हर समय ठाकुर का सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए लक्ष्मी को वहाँ पे प्रवेश नहीं है। लेकिन जो अन्य जो ब्रजगोपियाँ हैं, जो श्रुतिगण है, वो लोग स्तुति करते हैं, देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरणी लोटा हुए, गोपीजन अधिकार रो ये तगा हुए, कि देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरणी लोटा हुए, कि देवी लक्ष्मी श्रुतिगण ये क्या करते हैं, कि गोपियों का जो अधिकार को देख के, गोपियों का अधिकार को देख के उनको जलन हो रहा है,
किस प्रकार गोपी क्या करते हैं, कृष्ण को मुख में तांबुल प्रदान कर देते हैं, कृष्ण को सिंगार कर देते हैं, कृष्ण को मोर मुकुट दे देते हैं, कृष्ण को माला बना देते हैं, कृष्ण को आलट चामर देते हैं, किस प्रकार कृष्ण के साथ सेवा करते हैं, किस प्रकार कृष्ण के साथ केली बाग युद्ध, कृष्ण को धमका देती है ललिता सखी और अपने बड़े बड़े आंखों से, ए तुम कौन हो, ध्रुते ब्रजेंद्र तनय तनु सृष्टि भम, हटो तुम, ये ध्रुत है, कपटी है। किस प्रकार ललिता सखी कृष्ण को डांट लगा देती है, तो लक्ष्मी के और श्रुतिगणों के भी हृदय में आते, काश हम भी इस प्रकार का प्रीति हो हमारे हृदय में, कि हम भी कृष्ण के साथ इस प्रकार का भाव रख पाए, हम भी कृष्ण को इस प्रकार का सेवा कर पाए। तो इस जो भाव है, इसीलिए देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरणी लौटा हुए, गोपी जन अधिकार रो ये तगावे, कि जो गोपियों का जो अधिकार को देख के, किस प्रकार का उनका अधिकार है, वो अधिकार को देख के लक्ष्मी और जो श्रुतिगण है वो तो धरणी में, मतलब जो भूमि में रो रो के लोटपोट करते हैं, हाय हमको भी मिल जाए, हाय इस भाव को हमको भी मिल जाए। लेकिन श्रुतिगण को कभी कभी मिलता है, जो श्रुतिगण है वो कभी कभी मिलता है। क्यों मिलता है, कि गोपी का आनुगत्य हो या भजन करे, वो लोग क्या करते हैं, गोपियों के आनुगत्य में ब्रज गोपियों का चरण धूलि को स्मरण करते हुए, उनके भाव को अंगीकार करते हुए, गोपी भाव को ग्रहण करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी बोलते, भाई मैं क्यों गोपी बनूं, मैं तो इस शरीर में कृष्ण को संगम करूंगा, मैं तो इस शरीर में कृष्ण के साथ रुकूंगा, मैं तो इस शरीर में मुझे कृष्ण का अधिकार प्राप्त हो। इसीलिए लक्ष्मी को अभी भी इसीलिए लक्ष्मी को क्या होता है ना, बेल वन में अभी भी हम वृंदावन जब जाते हैं, बेल वन में क्या कर रहे हैं लक्ष्मी जी, तपस्या कर रहे हैं। क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रास में कृष्ण के सेवा में मुझे कुछ अधिकार मिल जाए, कृष्ण के कुछ सेवा में मुझे विशेष रूप में अधिकार मिल जाए। अब जैसे ही इस प्रकार लक्ष्मी जाते हैं, अब लक्ष्मी द्वारिका भाव में गए हैं, और कहाँ, वो वृंदावन धाम है, जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए वृंदावन धाम जाते हैं, कहाँ वो वृंदावन धाम है। भाई वृंदावन जाने के बाद जगन्नाथ जी छोड़ के आएंगे, लक्ष्मी को तो बोल के गए कि एक दिन में आ जाऊंगा, लेकिन वो कहाँ छोड़ के आएंगे, किस प्रकार गोपियों के मिलन, किस प्रकार नंदबाबा यशोमती देवी के साथ मिलन, किस प्रकार का वहाँ निकुंज में भ्रमण करना, किस प्रकार वो सब जगन्नाथ को याद आ जाता है, कहाँ छोड़ के जाएंगे जगन्नाथ जी। जैसे ही लक्ष्मी को देखते हैं ना, ठाकुर जी बोलते नहीं अब तो जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी फिर जैसे ही जाते हैं, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर चरित्र है, समय का भी अपना एक सीमा है, इसमें बहुत विस्तृत रूप में हमारे गोस्वामी वर्ग ने इसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, महाप्रभु पूछ रहे हैं, ये सब लीला देखने के लिए महाप्रभु के हृदय में इच्छा होता है, किस प्रकार लक्ष्मी जाती है, किस प्रकार लक्ष्मी का क्रोध है, और लक्ष्मी का जो क्रोध देख के वहाँ पे गेट के बाहर चले जाना, ये सब देख के महाप्रभु घन लोग हंसते हैं, भाई ये तो द्वारिका के जो कौन है, ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी, ये कहाँ हमारे वृंदावन में प्रवेश कर पाएगा, कहाँ वो निवृत्त निकुंज लीला, कहाँ वो रस को आस्वादन कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। वो सब देखने के लिए श्रीमन महाप्रभु के सारे पार्षद दौड़ते हैं गुंडीचा मंदिर, लक्ष्मी के साथ नहीं जाते हैं, पहले से ही जाके गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, कि वृंदावन में जाके रहते हैं कि अभी लक्ष्मी आएगी, किस प्रकार उसका दशा होगा, किस प्रकार वो क्रोध करेगी, वो देखने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु एक एक करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे हैं, यद्यपि महाप्रभु सर्वांतरजामी है, फिर भी उस सारे रस को आस्वादन करने के लिए एक एक करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद ये सारे जो लीला, रस तत्व, प्रेम तत्व, विरह मिलन, जो जितने प्रकार की जो भेद प्रभेद है, इस सारे के सारे लीला को श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु और उनके भक्तों के पास वर्णन करें, और उनके सुख सुन सुन के महाप्रभु बड़ा आनंद आ रहा है, उनको सुन सुन को महाप्रभु को और रस में बड़ा प्रवेश हो रहा है। अब देखो एक मिनट और बोल देता हूँ, जैसे ही लक्ष्मी जी रिटर्न आ जाते हैं मंदिर में, थोड़ा आगे के बाद बोल देता हूँ, लक्ष्मी जी जैसे ही मंदिर में आ जाते हैं, अब जगन्नाथ जी को आने में और 4 दिन लग जाता है। 4 दिन क्यों लगता, देखते हैं जगन्नाथ जी बोलते हैं कि रथ को घुमाओ, एक आज्ञा माल दे देते हैं, पंडे लोग रथ को घुमा तो लेते हैं, फिर वो रथ से फिर एक आज्ञा माल आते हैं, बोले प्रभु जी, बोले ठाकुर, लक्ष्मी आपके पत्नी आई थी, रथ को तोड़ के गई है, कैसे घुमाएं हम, तो और एक आज्ञा माल देते हैं, बोलते हैं रथ को सजड़ाओ, मतलब ठीक करो, जिस जगह पे लक्ष्मी तोड़ के जाते ना उस जगह को पुनः रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये तो विधि है, पहले क्या किया था लक्ष्मी जी, पूरा का पूरा तोड़ दिया था, फिर बोलते हैं कि उसको पुनः का पुनः रूप में उसको रथ को प्रस्तुत करने में 2 दिन लग जाता है। अब नवमी जो तिथि है, और नवमी तिथि का महिमा बता रहे हैं शास्त्र में, कि 10,000 साल तक
जगन्नाथ जी को कोई नीलाचल धाम में दर्शन करे और हवन करे, एक हवन होता है नीलाद्री महोदय में, नीलाद्री तंत्र में एक हवन है, तो बोलते हैं 10,000 साल। कितना? 10,000। दिमाग में बैठ रहा है? 1,100, फिर 1,000, फिर उससे ऐसे ऐसे होते हुए जो 10,000 साल तक जगन्नाथ जी को दर्शन करने का जो फल है, उसको केवल नवमी के दिन संध्या के समय जगन्नाथ जी को उसी मंडप के ऊपर दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो ये जो गुरुवर का जो महिमा है, तो बोलते हैं कि मैं तो भाई आया हूँ वृंदावन, फिर उसके बाद फिर ठाकुर जी अपने पैकिंग भी तो करेंगे ना, लगेज सब लेके चले जाते हैं भाव में, तो फिर धीरे 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 ठाकुर जी बोल रहे हैं ये पैकिंग कर दो, ओ कर दो, ओ कर दो, ये ले चलो, ये ले चलो। अब ठाकुर जी को पता है कि लक्ष्मी जी क्या करेंगे, अब मानने वाले हैं नहीं। एक दिन बोल के मैंने 5 दिन कर लिया, अब लक्ष्मी जी मुझे मंदिर के अंदर नहीं घुसाएगी, इसलिए पहले से अरेंजमेंट कर लिया जगन्नाथ जी ने, इसलिए ठाकुर जी को 4 दिन लग गया। और ठाकुर जी ने जैसे ही रिटर्न आते हैं, रिटर्न आने के बाद ठाकुर जी सोचते हैं कि चलो मेरे जो ऐश्वर्य स्वरूप है शायद उसको देख के लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मैं वृंदावन में जब था तो फूलों का श्रृंगार होता था, अब यहाँ आके अगर सोने का मुकुट धारण कर लूँ तो वो सोचेंगे कि मेरे हृदय से वृंदावन के भाव चला गया हो, शायद लक्ष्मी मुझे एक्सेप्ट कर लें। इसीलिए ठाकुर जी दूसरे दिन क्या करते हैं, रथ के ऊपर सोने का बेस करते हैं, सोने का श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी। तीसरे दिन जो रथ के देवा देवी गण है वो लोग ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, रथ के जो भूत, रथ में जितने प्रकार का देवा देवी, प्रभु आप तो इतने दिन हमारे साथ बिहार के, लेकिन प्रभु आपने हमको तो कुछ दिया ही नहीं, अच्छा तो क्या दिया जाए। तो ठाकुर जी अपने अधरामृत, अपने मुख के जो अधर से एक अधरपणा नीति है, वहाँ पे ठाकुर जी के मुख के तरफ, मतलब इतना इतना मुख के तरफ 3 मटकी में बड़े बड़े जो भांड है, बड़े बड़े जो मिट्टी का कुल्लड़ है, उसमें क्या करते हैं पूरा का पूरा जूस डाल के पूरा का उसको तोड़ देते हैं और रथ में छिंचन करके उनको तृप्त करते हैं। और तीसरे दिन नीलाद्रि विजय, ठाकुर जी मंदिर के अंदर जाते हैं त्रयोदशी के दिन। तो जैसे ही ठाकुर जी मंदिर के अंदर जाते हैं, बलदेव प्रभु को तो लक्ष्मी देख रही है, बलदेव प्रभु को तो छोड़ दिया, सुदर्शन को छोड़ दिया, सुभद्रा देवी को छोड़ दिया। जैसे ही जगन्नाथ जी रथ से उतर करके मंदिर के पास आते हैं, बोलते हैं सखी, ए सखीगण इनको छलिया है, गेट बंद कर दो। इस विधि है जो जो लोग नीलाद्रि विजय देखें, जैसे ही जगन्नाथ जी जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, लक्ष्मी जी बोलते हैं लक्ष्मी द्वार के उस तरफ और जगन्नाथ जी द्वार के इस तरफ। अब श्री मंदिर, मंदिर का नाम भी क्या है देखो, श्री मंदिर, श्री अर्थात लक्ष्मी जी, वहाँ के लक्ष्मी जी का चलता है वहाँ पे, और जो क्षेत्र भी है वो श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का ही क्षेत्र है, और उसके पश्चात जो मंदिर भी लक्ष्मी जी का है, चाबी का जो मालकिन भी लक्ष्मी जी ही है। तो द्वारिका के ये कौन है ना, ये पटरानी, सारे के सारे जो पटरानियों में भी लक्ष्मी जी यहाँ पे समाहित है। तो बोलते हैं भाई तुम तो चले, आप तो चले गए थे वहाँ पे, अब मेरे घर आ गए ना, अब मैं अपने हिसाब से ट्रीट करूँगा। तो लक्ष्मी जी क्या करते हैं, द्वार बंद कर देते हैं, द्वार सिंह द्वार बंद कर देते हैं। तब वहाँ पे जगन्नाथ जी के जो दैत्यपति गण है और लक्ष्मी जी के पंडा एक तरफ और जगन्नाथ जी के पंडा द्वार के इस तरफ, सिंह द्वार है, सिंह द्वार के इस तरफ जगन्नाथ जी खड़े हो जाते हैं पूरा, और इस तरफ लक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी जी क्या करते हैं, एक एक बाणी बोलते हैं, मतलब पंडे के द्वारा एक एक बाणी बोलते हैं कि आप क्यों गए थे, ये अमका डिमका बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, माताओं को बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ठाकुर जी बोलते हैं देखो लक्ष्मी तुम्हारे लिए ना सुवर्ण लाया हूँ, सुवर्ण। बोलते हैं हमें सुवर्ण नहीं चाहिए, बड़ा सोने वाला का मैं, मतलब बहुत सोना है मेरे पास। बोले लक्ष्मी जी तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, ये लाया हूँ, वो लाया हूँ। फिर अंतिम में लक्ष्मी जी को ठाकुर जी मना ही लेते हैं, और वहाँ पे कैसे मनाते हैं, वहाँ पे रसगुल्ले ठाकुर जी जगन्नाथ जी वहाँ पे अपने हाथ से ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर से रसगुल्ला, और रसगुल्ला को लक्ष्मी को देते हैं, और लक्ष्मी मान जाती हैं और ठाकुर जी को वहाँ पे आरती करते हैं सुंदर सुंदर रूप में और अंदर तक ले जाते हैं। फिर बाद में जैसे ही 1 साल तक वहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, बोले लक्ष्मी दोबारा और कभी नहीं जाऊँगा मैं, बोलते हैं मैं और कभी नहीं जाऊँगा। फिर 1 साल जब आ जाते हैं ना, फिर 1 साल के बाद फिर ठाकुर को बुखार होता है, और फिर को लक्ष्मी को जैसे तैसे मना कर फिर ठाकुर जी भाग जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा लीला है, और इसमें गोस्वामी वर्ग का बड़ा महिमा है, और बड़ा आनंद आता था। गुरुपाद पद्म एक समय की बात है, गुरु जी शायद हर समय हलांड में ही रहते हैं गर्मी में, और उधर से ही पूरी आते हैं, हम भी हर समय वहाँ से ही पूरी चले जाते थे। तो बड़ा आनंद लगता था। एक समय के बाद थे श्रीकांत प्रभु साहित थे और बाकी सब लोग थे। तो ये हम एक समय जो जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं ना पहंडी होके, तो उसको देखने गए थे गुरुजी छत के ऊपर बैठ के, बड़े खुश हुए थे।
और बड़े बड़े सुंदर सुंदर भाव को भी बताया था, समय का भी अपना एक सीमा है, लेकिन वास्तव में जो आनंद है ना वहाँ पे इस समय इतना इतना वैष्णव, अभी तो लॉकडाउन है, इतना इतना वैष्णवगण, इतना इतना भक्तगण जाते हैं ना, कितना क्या आनंद है वहाँ, तो उत्सव ही उत्सव है। देखो हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए, जगन्नाथ जी है और साक्षात रूप में एक स्वरूप में जो जो लक्ष्मी जी भी यहाँ पे मानो विराजमान है, और उसी उत्सव में उसी जो ये जो आज का जो रीति है, आज का जिस प्रकार ठाकुर जी ये सब लीला करते हैं, उसी उत्सव उसी खुशी में आज उत्सव भी है। और मानो हृदय में ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, जो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद का वर्णन है चैतन्य भागवत चरितामृत में, जो भी जहाँ पर भी है भगवान का एक एक लीला को स्मरण करके उसी लीला में अगर उत्सव करे ना, उसके हृदय में सारे के सारे लीला स्फुरित हो जाते हैं। उसके उदय में क्या होता है, वो सारे के सारे लीला, सारे के सारे भाव और लीला दर्शन करने का फल भी उसके हृदय में प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये इतना सुंदर मधुर लीला है ना, इसको बातों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए गुरुपाद पद्म का बड़ा मतलब वहाँ पे हम दर्शन किए, किस प्रकार गुरुदेव आनंदित होते हैं, बड़े रूप में वहाँ पे भक्तों को ले जाते हैं, परिक्रमा करवाते हैं। हमने स्वयं देखा है कि गुरुदेव किस प्रकार वहाँ पे सोते नहीं जगते नहीं, पूरा सबको बोलते हैं कि चलो ऐसे चलो, कीर्तन की पार्टी में लेके चलते हैं, बड़ा उत्साह प्रदान करते हैं। और जगन्नाथ जी का विशेष करके ये जो नीति है ना हेरा पंचमी, ये अपने आप में बड़े आकर्षण है, क्योंकि लक्ष्मी जी जाते हैं झगड़ा करने, लक्ष्मी जाते हैं रुष्ट होके क्रोध में लक्ष्मी जाते हैं, ये एक बड़े देखने वाला चीज़ है। तो कभी हमको गुरुपाद पद्म के सानिध्य पे उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु के जो जिस भाव में महाप्रभु जाते थे, जिस भाव में महाप्रभु के गण जाते हैं, जिस भाव में प्रभुपाद जाते हैं, जिस भाव में हमारे गुरुवर के जाते हैं, कभी हम उसी भाव में उसी स्थान पे आज के दिन पे उपस्थित हो और ये सब जो दृश्य हमारे हृदय में दर्शन करके हमारे हृदय को उसमें एक छाप पड़ जाए और वो कृपा आशीर्वाद प्रदान करें, यही सब प्रार्थना के साथ वांछा करते हैं। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री ताऊ धैया की जय, श्री कृष्णा कन्हैया की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री सुदर्शन चक्र की जय, जय गौर परमानंद जी। ऐसे लग रहा था साक्षात जगन्नाथ पुरी यहाँ पर प्रकट हो गया, क्या प्रकट हो गया साक्षात जगन्नाथ पुरी प्रकट हो गया। इसलिए वास्तव रूप में जो रथ यात्रा है इसे कथा है, मैं हर साल रहता था जगन्नाथपुरी में, मेरा घर उनका भी आसपास में घर है, लेकिन वहाँ पर तो मैं रहता था, लेकिन वास्तव में जब मैं मथुरा आया, जब हमारे श्री भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज से जब बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुना, रथ यात्रा का वास्तव का अर्थ क्या है, जगन्नाथ जी क्यों जाते, इसको सुन करके मेरे को ऐसे लगा वास्तव रूप में रथ यात्रा था, अभी हम मथुरा में कर रहे हैं। मेरा अनुभूति हुआ वहाँ पर जितना आनंद होता था उससे करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद हुआ जब गुरु जी से हमने कथा सुनी। इसलिए वास्तव रूप में जो धाम दर्शन है वो आंखों से, हमारे गुरु जी कहते आंखों से मत देखा करो, कानों से देखो, मतलब उनकी कथाओं को सुनो, उनकी महिमा को जब श्रवण करेंगे तभी उस चीज़ की महिमा हमें पता चलेगा। इसलिए अगली बार हम कोशिश करेंगे आप सबको हम जगन्नाथपुरी ले जाएंगे, ठीक है। कौन कौन जाएगा बोलो, हाथ उठाओ, पे हाथ नहीं उठा, क्या चक्कर है। हाँ अभी से थोड़ी थोड़ी पैसा में इकट्ठे करो और अगली बार दो तीन महीना से टिकट कटवाना, ठीक है, और हम जाएंगे बड़े धूमधाम से। यहाँ जो आप श्रवण कर रहे हो वहाँ प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा को दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आप और हमारी बात छोड़ दो, चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा रानी भाव अंगकांति लेकर के आए, स्वरूप दामोदर ये ललिता सखी और श्रीवास पंडित ये नारद है, ये स्वयं जा करके ये जो आज जो हेरा पंचमी कथा आप लोगों ने सुने वो स्वयं जा करके बैठ करके देखते थे है? लक्ष्मी कैसे ठाड़ बाढ़ से जाती हैं, सिंहासन के ऊपर बैठ जाती हैं और कहती हैं ये जितने गोपियाँ मेरे प्रियतम कृष्ण को आने नहीं दे रही हैं, इसलिए उनको बांध बांध कर ले आओ, और महाप्रभु बैठ करके मुस्कुराते हैं। और वहाँ पर नारद भी है, नारद को ये हमारे श्रीवास पंडित नारद
ये रहने वाले कहाँ के, बोले वैकुंठ के परिकर है, ये लक्ष्मी की परिकर। ए देख देख कर इतने खुश होते, इतने खुश होते, देखो लक्ष्मी की क्या ठाड़ बाड़ है, क्या रत्न सिंहासन, हीरे जवाहरात से कैसे। और वहाँ पर स्वरूप दामोदर है, कहते ये स्वरूप दामोदर, ये ललिता, ये ललिता कहाँ के, बोले ये वृंदावन के है। तब श्री श्रीवास पंडित स्वरूप दामोदर मतलब ललिता को नारद जी कह रहे, बोले तुम्हारे वृंदावन में क्या कुछ है ही नहीं, और ये पेड़ पौधा फूल पत्ते यही है और कुछ है ही नहीं। देखो हमारे लक्ष्मी को देखो, वैकुंठ को देखो, लक्ष्मी की ठाड़ बाड़ देखो, वैकुंठ के ऐश्वर्य देखो, है वहाँ पर पेड़ पौधा और कोई कुहकती और कुछ नहीं। इतने में स्वरूप दामोदर कहते, बोले चुप हो जा, ज़्यादा बोलो मत, तुमको वृंदावन की महिमा तुमको पता नहीं, इसलिए कहते ना वृंदावन के कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। बोले वृंदावन की महिमा तुमको पता नहीं, वृंदावन में जो ऐश्वर्य को माधुर्य से ढका हुआ, वहाँ के एक फूल कहते, वहाँ के एक पत्ते, बोले पत्ते की बात छोड़ दो, वहाँ के एक धूल में इतने शक्ति, ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुरभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं वहाँ की जो एक धूल नहीं वो चिंतामणि सब चिंता को पूरी कर सकते हैं, वहाँ की वृक्ष नहीं सब कल्प वृक्ष जो मांगे वो ही दोगे। बोले वहाँ पानी नहीं, बोले त्वयम अमृतम, वो पानी अमृत है। जब कोई चलते है ना ऐसे लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई नृत्य करते हैं, जब वहाँ कोई बोलते है ना लगता है बड़े सुंदर कोई ठाकुर जी का भजन गाते हैं, अगर वहाँ कोई सोते हैं उनको समाधि की फल प्राप्त होता है, कोई बोलते हैं भगवान की स्तुति करने का फल मिलता है। अगर वृंदावन धाम में केवल घूमो, खाली घूमते रहो, बोले वृंदावन धाम की परिक्रमा की फल मिल जाती है, परिक्रमा की फल मिल जाती है, ऐसे श्री वृंदावन धाम। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर कहते तुमको पता नहीं वृंदावन क्या ऐश्वर्य, लेकिन वो माधुर जैसे ही वो ढका हुआ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ जा करके ये लीलाओं को दर्शन करके इतने प्रसन्न होते थे। इसलिए आज ये तिथि का नाम है हेरा पंचमी। हैं आप लोगों ने श्रवण किया, यहाँ चैतन्य चरितामृत तो बड़े विस्तृत रूप में राधा रानी की गोपियों का क्या भाव है, धीरा धीरा अधीरा, और कैसे तीन तरह का कैसे भाव है, मान की प्रकरण बड़े सुंदर रूप में यहाँ चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर रूप में यहाँ वर्णना की गई है। इसलिए आप लोग कोशिश करना अगली बार रथ यात्रा में सबके सब जाने के लिए सबके सब तैयार रहना, और कुछ यहाँ पर नए भक्त लोग भी आए हैं और कुछ पुराने भक्त लोग भी हैं, इसलिए जो पुराने भक्त लोग उनको तो पता है भगवान की भक्ति, भगवान के नाम, भगवान की भजन करनी चाहिए, लेकिन जो नए लोग भक्त नए सब कुछ भक्त लोग आए, मंडी से कुछ आए, यहाँ से कुछ आए, इसलिए देखो ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। इसलिए हमें एक श्लोक का व्याख्या सुन रहे थे, लब्ध्वा सुदुर्लभ मृदंग बहुसंभवान्ते, मतलब ये जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला। ठीक वैसे ही एक श्लोक भागवत में है, कहते निर्दयः माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम पुमान भवाभ्यन तारेत स आत्मघा। हम जो नए लोग सब लोग ध्यान देकर सुनो, कितनी अच्छी बात कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्दय माध्यम, मतलब है जगत में जितने जीवन जीव को 84 लाख योनि में कहते ये सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा जीवन है, बोले ये मानव शरीर, कहते आद्य जन्म है, सारे जन्म में ये जन्म दुर्लभ जीवन है मानव शरीर, ये मानव शरीर कोई साधारण जीवन नहीं, देवता लोग भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं, हमें मानव शरीर प्राप्त हो उन्हें भी ये मानव शरीर नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं निर्दय माध्यम, ये कैसे, बोले सुलभम, सुलभ मतलब बड़े भाग्य से मिला, बोले सुलभम नहीं, फिर और एक शब्द प्रयोग करते हैं सुदुर्लभम, मतलब जो जीवन सहज में ये जीवन मिलता ही नहीं, कैसे ये जीवन, ठाकुर जी बोले देत ईस बिनु हेतु सनेही, ठाकुर जी कैसे स्नेह पूर्वक हमें दे दिया मानव शरीर। इसलिए बोले कहते निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम,
प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। फिर उदाहरण देते हैं, कहते ये मानव शरीर क्या है, कहते एक नाव है। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, अगर ये भवसागर से पार होना चाहते तो कैसे पार कर सकते हो? गधे कुत्ते सुअर क्या पार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर में ही प्रभु का भजन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। इसी जीवन में ही हम साधन कर सकते हैं। ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख योनि भ्रमण करते करते हम मुक्ति के दरवाजे पर पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हो? मुक्ति के दरवाजे पर हम अभी पहुँचे हुए हैं। अगर ये जीवन पा करके फिर भजन नहीं किया ना, मानो संसार का सारे कर्तव्य किया, पढ़े लिखे नौकरी चाकरी खाए पिए सारा दुनिया की सारी कर्तव्य किया, कहते अगर प्रभु की भजन ही अगर नहीं किया तो कहते लास्ट में जीरो मिलेगा, लास्ट में गोल हाल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी संसार से जाने वाले नहीं, सब यही धरा के धरा रह जाएगा हैं। इसलिए कहते हैं ये मानव शरीर संसार से पार होने के लिए एक बड़ा सुंदर नाव है, जिस नाव से भवसागर को पार कर सकते हो। लेकिन कहते भैया नाव में पार करने के लिए कोई कंडा नहीं चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए ना, जो कि नाव को चला करके ले जाए। बोले वो कौन है? बोले ये सदगुरु है। बोले कहते हैं और क्या? बोले उसमें मयानुकूलेना। फिर आप लोग कभी समुद्र तो देखे ही नहीं, बड़े बड़े नदी देखे हो आप, देखे ना उसमें ये लोग क्या करते हैं, उसमें त्रिपाल लगा देते हैं, त्रिपाल, और जिधर हवा आता है ना उधर लगा कर देते हैं। करने पर फिर आपको नाव चलाने का जरूरत नहीं, केवल आप केवल उसको हैंडल को पकड़ कर रखो, वो नाव अपने आप चलती हैं। कहते ये भगवान की कृपा कैसे? बोले मयानुकूले ना, भगवान कहते मेरे तरफ में एक कदम बढ़ तो मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ूंगा, मेरे तरफ में केवल एक कदम तो बढ़ो, एक पैर तो आगे बढ़ाओ, फिर तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। अगर एक कदम बढ़ाओगे नहीं फिर मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा कैसे? इसलिए कोशिश तो करो हरिनाम करने के लिए, भजन करने के लिए, इसलिए मैं तभी तो तुमको थोड़ा मदद करूंगा ना हैं। जैसे कुएं में कोई व्यक्ति गिरा हुआ, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से रस्सी फेंकेगा, जो नीचे गिरा हुआ उसको क्या करना पड़ेगा? रस्सी तो पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो वो पकड़ करके उठाएगा। अगर तुम अगर रस्सी पकड़ोगे नहीं तो फिर डूब जाओगे। भगवान कहते भैया तो कोशिश करो तो थोड़ी भजन के लिए, कोशिश तो करो हरिनाम करने के लिए, कोशिश तो करो। इसलिए बोले मयानुकूले ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ अनुकूल रूपी हवा में देता हूँ, मतलब अगर कोई भजन करने के लिए चाहे तो मैं उसको सुजोग प्रदान करता हूँ। कहते अगर मैंने ये मानव शरीर तुमको दे दिया, क्या दे दिया? ये मानव शरीर भी साधारण नहीं। एक समय एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, इतने में साक्षात भगवान साधु रूप में आ गए। बोले भाई कहाँ जा रहे? बोले सुइसाइड करने। बोले क्यों? बोले मेरा जीवन बेकार है, अगर उस सोने में भी हाथ लगाए वो भी मिट्टी बन जाता है, ऐसे जीवन रखकर क्या करूँ, ऐसे तो मैं सुइसाइड कर देता। बोले भगवान तेरे को क्या नहीं थी, कुछ नहीं दिया? बोले क्या दिया? बोले कुछ नहीं ठाकुर, मेरे कुछ भी नहीं दिए। बोले कुछ भी नहीं दिया? बोले दिए क्या, मेरे को कुछ भी नहीं दिए, सोने में भी हाथ लगा तो वो भी मिट्टी बन जाता है। बोले कुछ नहीं दिया, देखो मैं तेरे को प्रमाणित करता हूँ ठाकुर ने किया दिया। बोले मैं तेरे को 50 लाख रुपया देता हूँ, एक हाथ काट कर दे दूँ। बोले हाथ काट कर दे दूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूँगा? बोले भगवान तेरे कितना हाथ दिए हैं, कितना हाथ दिए हैं? एक क्यों नहीं दिए? अगर किसी कारण से खराब हो गया था दूसरे हाथ से काम कर सकते हो। 50 लाख रुपया में भी एक हाथ काट कर देना तो चाहे नहीं चाहते हो, तो दो हाथ मिलकर कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। बोले एक काम करो कि 50 लाख रुपया देते, एक हाथ निकाल कर दे दो। बोले देखूंगा कैसे हैं? बोले ठाकुर कितने दयालु, देखो एक आँख नहीं दे, कितने आँख दिए? 2। बोले क्यों? किसी कारण से एक खराब हो गया तो दूसरे हाथ से देख सकते हो हैं, इसलिए दोनों हाथ मिलकर कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। बोले एक काम करो एक किडनी दे दो निकाल कर, 50 लाख। बोले नहीं नहीं मैं जिंदा कैसे रहूँगा, ठाकुर जी कितने किडनी दिए? 2 दिए, एक खराब हो गया तो दूसरे से काम कर सकते हो। इसलिए अगर हम इसको हिसाब लगाएंगे ना, अगर हिसाब लगाओगे अरब खरब रुपया की संपत्ति ठाकुर ने हमें ये मानव शरीर दिए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु देही ताही विसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिला खलकामी। मेरे को जिसने ये मानव शरीर दिया तो उसको ही भूल करके बैठ गया, और तुमको संसार में जो कुछ भी नहीं दिया
बदनामी सिवाय तुमको कुछ भी देने वाले नहीं संसार में। देखना सारा दिन संसार के लिए करते हो कि नहीं, बीवी बच्चे के लिए परिवार के लिए करते हो कि नहीं, पीछे देखना सब चुगली करते हो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे सब चुगली करता कि नहीं बताओ, चुगली करते कि नहीं संसार में तुम्हारी, कोई तुम्हारी संसार प्रशंसा करता है, किसी को नहीं करते प्रशंसा करते हुए, चुगली के सिवाय बदनाम के सिवाय। हमारे गांव में एक सच घटना बताता हूँ, मैं अपना परिवार की घटना बताता हूँ। हम लोग 5 घर थे गांव में, मेरे पिता सबसे ज़्यादा धनवानी था, सबसे इतना बड़ा बाग जो सोच नहीं सकते, 100 नारियल का पेड़ है, 50 तो कटहल का पेड़ होगा, अनारस का पेड़ तो 1000 था, जिसमें पूरा गाँव खाते थे। हमारे गाँव में मेरे पिताजी सबसे बड़े धनी थे, लेकिन जब सब संसार में अलग अलग हो जाते हैं ना, थोड़ी बहुत किसी बेटे को काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है क्या, जिंदगी भर थोड़ा जिसको काम मिला, जिंदगी भर पिताजी को गाली निकाले, जब मेरे पिताजी शरीर ही छोड़े उसको उठाने के लिए आए, और अंतिम क्रिया इतने बुरी तरह से कि जो सोचे भी नहीं सकते। और गाँव में सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे मेरे पिताजी। मैं सुनता था ऐसे ऐसे किया है जब गाँव के लोग आए। इसलिए जगत में कोई भी बदनाम के सिवाय कुछ भी तुम्हें देने वाले नहीं, केवल बदनाम ही देंगे। अगर कोई अगर ऋणी को चुकाएगा ना, बस द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी तो 5-5 पति भाई काम में आए, परिवार में धृतराष्ट्र और हमारे श्री हैं सबके सब, जो भीष्म को ही पिता काम में आए तो कौन आए, बस एक मुरली वाले काम में आएंगे भैया, कोई नहीं आएगा। इसलिए करना तो उसी के लिए करो, भजन करो तो उसकी करो, वही सब देने वाले दुनिया में बदनाम के सिवाय कुछ भी तुम्हें नहीं देंगे, करो तो उसके लिए करो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिला खल कामी। सूरदास का ये पद है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं, गुरु कर्ण धारम मयान कुलेन नभस्व तरितम पुमान भवाब्धि न तरत स आत्मा। कि भगवान खुद कहते हैं, मैंने इतने सुजोग तुमको दे दिया, मानव शरीर दे दिया, सदगुरु भी हो गए, संतों का संग भी तुमको मिल गया, मैं कृपा भी कर रहा हूँ, इतना मिलने का बावजूद भी अगर तुम ये संसार से पार होने के लिए कोशिश नहीं करोगे, ये भगवान कहते तुम एक आत्महत्या सुइसाइड कर रहे हो, तो सुइसाइड कर रहे हो जीवन पाकर भजन नहीं करते हो, क्योंकि दूसरे जीवन में मानव शरीर मिलेगा नहीं। भागवत पढ़ करके देखो, मरने का बाद जैसे कि अपराधी को जज को सामने खड़े कर दिया जाता है ना, हमको ऐसे खड़े कर दिया जाएंगे, वहाँ नहीं पूछे कितना बेटा था, कितने बेटी थी, कितने पैसा कमा करके आए, ये सब कोई नहीं पूछेगा, वो इतना ही प्रश्न करेंगे, ये 84 लाख जन्मों के बाद में जो दुर्लभ जन्म दिया, कितने भजन किया, कितने हरिनाम किया, केवल एक ही प्रश्न का जवाब, और वहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई कितना बेटा बेटी छोरा छोरी कोई भी प्रश्न वहाँ नहीं केवल। इसलिए हमारे भारत में मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बल गत्य है सब गई बात उठा, ये बोलते हैं ना, जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और जो कुछ किया तो झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही। इसलिए जीवन रहते हुए क्या करो, हरिनाम करो, भजन करो, भगवान के लिए समय दो। सवेरे उठ करके करोड़ों काम को पीछे रख लेना, करोड़ों काम जिसको तुम अपना कर्तव्य समझ रहे हो, ये कर्तव्य कोई भी काम में आने वाले नहीं, सबसे पहले हरिनाम, प्रभु का भजन करो, फिर दिन भर अपना काम करते रहो ना भगवान की सेवा मन करके, सबसे पहले क्या करो, हरिनाम लेकर के सबसे पहले हरिनाम करो, ठाकुर का नाम करो यही। इसलिए हमारे कबीर कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, जगह में मरने में सब डरे लेकिन मेरा मन आनंद, दुनिया में सब मरने के लिए, अभी कोरोना आ गया ना, सब घर में बंद कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं मेरा मन तो खुश हो रहा है। बोले क्यों, दुनिया मरने के लिए डरते हो, खुश है क्यों? बोले जिंदगी भर मैंने राम का नाम लिया ना, जिंदगी भर मैंने राम कृष्ण का नाम लिया, मेरे को पता है मेरे लिए वीआईपी की व्यवस्था है, जाऊँगा तो सीधा ठाकुर के पास में जाऊँगा, इसलिए मैं तो खुश हो रहा हूँ, मेरे मन में कोई दुख नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भजन करेगा ना, मरते समय उसका कोई दुख नहीं, सीधा ठाकुर जी की पास में जाओ, ठीक है। सबके सब हरिनाम करना, और रोज कोशिश करना, आज जैसे आए हो रोज रोज आओ, कथा सुनोगे, ठीक है, रोज रोज कथा सुनोगे। देखो कथा सुनोगे तो भावना बढ़ेगी, कथा नहीं सुनोगे तो भावना नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। अब लोग सब प्रसाद पाकर जाइयो।
कीर्तन के बाद में सब लाइन कर बैठ जाना, ठीक है, और सब प्रसाद पूरी सब बना दिए। हाँ, आज कुछ माताओं ने पहले से आकर के, हमने सोचा रोज रोज तो हमारे दूसरे प्रभु जो पैसा लेकर बनाते हैं, हम सोचा आज हम अपना हाथों से बनाएंगे, इसलिए नुपुर दीदी पहले आ गई, इसलिए आकर के राजा बना दिए, और उनके साथ में माता जी और उनका छोटी बेटी भी आई गई, और ये सब मिल करके बनाए, माता जी कुछ पूरी बनाए, और श्रीकांत प्रभु जी आपके लिए मीठा चावल भी बनाए, और जीरा और आलू छोंक देकर सब बनाए, इसलिए आज सब भक्त लोगों ने सबके सब भक्त लोग मिल करके सबके सब, और सिंघल प्रभु बोल रहे थे, सिंघल प्रभु जी बोल रहे थे हम मीठा लाएंगे, बोले ये मीठा तो रोज लाते हैं, इस बार आप मीठा चावल बनाते हैं, इसलिए आज मीठा चावल बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज मीठा चावल बनाए, ठीक है, सब प्रसाद बकरे जाना सब। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, अभी गुरु पूर्णिमा आ रहा है, 26 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन 24 को गुरु पूर्णिमा है, अभी हमारी बहुत सारी जगह पे प्रचार है, हम 21 हम लोग 21 तारीख को एक प्रोग्राम हमारे फरीदाबाद में, उसके बाद में फिर फरीदाबाद में ही हम 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा एक जगह पर मनाएंगे, फिर 23 तारीख को और एक जगह पर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, फिर 24 तारीख को फिर हम दो जगह पर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, एक गाड़ी में और एक नोएडा, और यहाँ पर हम लोग जो गुरु पूर्णिमा 25 तारीख को मनाएंगे, मैं सवेरे 25 तारीख को मैं आ जाऊँगा, और यहीं पर हम लोग 25 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। बहुत लोग तो माला लिए, मुझे लगता आधा बड़ों के लिए मुझे लगता है माला लिए, लेकिन कितने लोग मूल भजन कर रहे हैं कि मूल हैं, कुछ लोगों को माला दिया जब कुछ दिन बाद में आते गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं, बोले कहाँ गया, बोले टूट गई, बोले सोने के चैन नहीं टूटी कि थोड़ा तुलसी माला ही टूट गई, तुलसी माला टूट गई, माला कहीं लटका कर रख दिया, बोले देखो इसलिए केवल कंठी माला लेना सबसे बड़ी भारी बात नहीं, हम अपना जीवन में कितने उतार रहे हैं ये बात है, हैं, इसलिए तभी ये चीज़ को उतार पाएंगे जब सत्संग में आओगे, नहीं आओगे तो सब उतर जाएगी कुछ भी साथ, इसलिए आते रहना, और जितने देखो जितने माता हैं मुझे लगता है बड़ों तो मैं बहुत लोग माला लिए हैं, सब लोगों को आप लोगों को बोल देना 25 तारीख को हम लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, हम जैसे शाम को मनाए इस समय पर मनाए ना, तो कितने बजे मनाएंगे, हाँ और क्या, उस समय में सब आ जाएंगे, ठीक है, उस समय जल्दी जल्दी कर देंगे तो हम 6 सब लोग आ जाएंगे, थोड़ी गुरु जी की पूजा करेंगे और ठाकुर का आरती उतारेंगे, प्रसाद की सब व्यवस्था करेंगे, इसलिए आप लोग सबको बोल देना सबके सब 25 तारीख को, जितने आप लोगों को जानकारी लोग जो माला लिए नहीं लिए सबके सब आए और आ करके, और जो नहीं लिए सबके सब माला ले लेना, ले करके पत्नी बच्चों के साथ में भगवान की सबके सब भजन करें, ठीक है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुदेव की पूजा होती है, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो नए हैं जुड़े हैं और पुराने भी, गुरुदेव के लिए बाजार से या खुद जो है पुष्पों को चयन करके आप माला घूम करके गुरुदेव को अर्पण कीजिएगा उस दिन, और जो भी आपके मन में हो जिस प्रकार से भी आप उनकी सेवा करना चाहते हैं उसमें आप वस्त्र और धन या मिठाई जो कुछ भी ला सकते हैं वो उस दिन लेना चाहिए, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं उस दिन, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, शाम को होगा वो उत्सव, ठीक है, प्रभु जी पतल है ना है, हो जाएगा सब हो जाए, इतना ना और ठीक, हाँ हरे कृष्णा, और क्या बोलना चाहते बोले गया, हाँ हरे कृष्णा, सब एक बार खड़े हो जाए सब, एक बार नाच लेते हैं ठाकुर के, हाँ मिल
हरे कृष्ण की एक गौ माता है जो अनुमति देने बहुत सुंदर तरीके से प्रदान की है, आप उनसे निवेदन है उसके लिए आप जो है उस चारा इत्यादि दे सकते हैं जिससे कि मंदिर की सेवा होती है। और मंदिर संचालन भी आप महीने में जुड़िएगा, हर महीने कुछ भी आप सेवा दे सकते हैं, 100 से लेकर के 1000 2000 5000 जितना दे सकते हैं या दान जीवन इत्यादि आप दे सकते हैं। और मंदिर के लिए मंदिर निर्माण के लिए बलराम प्रभु जी को आशीर्वाद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, उसको 84 लंबे दिन में नाचना खत्म। अगर प्रभु का सामने कोई नाचेगा ना तो बीवी को सामने नाचे, तो बेटी को सामने, बेटा को सामने, बहू को सामने, सास को सामने, अधिक लाभ उसके सामने नाचना चाहते हो तो हाथ उठाओ। हाथ उठाने मतलब ठाकुर जी द्रौपदी जब दोनों हाथ उठाए तब से कन्या बदल दिए ना, हाथ उठाना मतलब ठाकुर जी तेरे सिलाए मेरी जगत में कोई उसका मतलब हाथ उठाना। इसलिए सबके साथ शरीर प्रसाद बनाए, प्रसाद का सभी आने भूख लगे, इसलिए अब हम खड़े कर दिया सर नाच लगे तो भैया भूख लगेगा प्रसाद में आनंद आएगा। हरी बोल हरी बोल Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur।
राधा लाके और राधा देके सब के साथ शिवमूर्ति है ना, शिवमूर्ति फाटक से पहले शिवमूर्ति के सामने गली में मैंने पका था। सभी के लिए वहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, अगर आप लोग डायरेक्ट वहाँ आ जाए तो अच्छी बात, अगर जल्दी आ जाओ तो वहाँ जल्दी जल्दी हो जाएगी, इतना लेट नहीं होगा वहाँ पर, वहाँ जल्दी जल्दी हो जाएगी। हाँ टाइम टाइम आप यहीं पर आ जाए 7 बजे हम सबके सब 7 बजे चल जाएंगे, पर जल्दी जल्दी वहाँ होगा, इतना लेट नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग लाइन के लिए बैठ जाओ।